इनसे पूछे इनके पास पीएसएल की ट्रॉफी क्यों नहीं है, बाबर ने ट्रॉफी क्यों नहीं जिताई। बाबर तो दिलों में बसता है ना, बाबर इज ऑलवेज बाबर। दिल से फैन हम भी बाबर के ही हैं, पर है अमल हो रही है। इनको गाड़ियां दो अच्छी अच्छी किस्म की, आपको पता ही नहीं है क्रिकेट कैसे खेलती है। इनको कौन है, आपको एंगल लगता है कौन है? शाहीन की कप्तानी का बिल्कुल जीरो। ये लोग याद रखेंगे कि इन्होंने गलती की है शाहीन को कैप्टन बना के। लव यू बाबर आजम। शाहीन हमारा अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छे हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाबर बाबर है। बैट्समैन एक चल गया, बाकी फखर साहब घर बैठे हुए हैं, पांच मैच खेले हैं, एक भी नहीं चला। वो यार केड़ा प्लेयर है, नु फौजी कहंदे सी वो साजी लोर नु स्पोर्ट नहीं कर रहे, सारे नु कर रहे हैं, इधर देखो सनी दी शर्ट भी थल्ले पा के आए हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो आने वाली है वो है कल लाहौर वर्सेस पेशावर का मैच था, और बच्चे की बात ठीक साबित हुई कि लाहौर को जो ना फेल गए बाबर आजम ने अपनी बैटिंग से, और फिर जाकर बॉलिंग में भी डिफेंड कर पाए। तो यार मुबारक हो पेशावर जमी को। और यार सबसे बड़ी बात जो है ना, लाहौर के फैंस जो है ना वो फेवर कर तो रहे बाबर आजम को, पर कह रहे कि हम लाहौर ही है, तो यार लाहौर का सपोर्ट करना भी हक है हमारा। तो चलो वीडियो को देखते हैं कि असल में वीडियो में लोगों का रिएक्शन क्या है आफ्टर लूजिंग द फिफ्थ कॉन्सेक्यूटिव मैच इन द रो in PSL 2024 PSL 9. So if you guys are new on my channel, so please like the video, subscribe the channel, comment in the below section, keep us tuned in the, and let's go start a video. बाबर से पहले जीते ना, दिल से फैन हम भी बाबर के ही हैं, पर है अमल हो रही है। इनको गाड़ियां दो अच्छी अच्छी किस्म की, आपको पता ही नहीं है क्रिकेट कैसे खेलती है। ये लोग याद रखेंगे कि इन्होंने गलती की है शाहीन को कैप्टन बना के। लव यू बाबर। यार दो सीजन में चैंपियन जिसने बनाया है, बहुत अच्छे हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाबर बाबर है। बैट्समैन एक चल गया, बाकी फखर साहब घर बैठे हुए हैं, पांच मैच खेले हैं, एक भी नहीं चला। वो यार केड़ा प्लेयर है, नु फौजी कहंदे सी वो साजी लोर नु स्पोर्ट नहीं कर रहे, सारे नु कर रहे हैं, इधर देखो सनी दी शर्ट भी थल्ले पा के आए हैं। और मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारी फील्डिंग लाहौर के अंदर की फील्डिंग फजूल, बॉलिंग फजूल, इनके पास कोई प्लेयर है जो प्लेयर है हर दूसरे दिन अच्छा प्लेयर इंजर्ड हुआ होता है, कोई इनके पास है ही नहीं, फिटनेस ही नहीं है। चार मैच न्यूजीलैंड से हार गया, व्हाइट वॉश हो गया, इधर पांच मैच इधर हार गया बाबर आजम, यहां पर हाफ व्हाइट वॉश हो गया। मैं बहुत बड़ा फैन उस बंदे का यार, उसको देखने के लिए आया हूं, डबल टिकट मैंने बाहर जाके खरीदी है। लव यू बाबर आजम। बाबर आजम लव। एक लफ्ज बताएं कि शाहीन की टीम यानी कप्तानी में पांच मुसलसल मैच हार गया। शाहीन उस लेवल का बंदा ही नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा उसने वो बाबर आजम की कप्तानी जिस तरह भी ली गई जैसे भी की गई है वो इस लेवल का बंदा ही नहीं है। सर आपको क्या लगता है? यार मैं सिर्फ इस समीन साहब से कहना चाहता हूँ कि शाहीन को गाड़ियां दो अच्छी अच्छी किस्म की, आपको पता ही नहीं है क्रिकेट कैसे खेलती है, पांचों मैच हार गए यार, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार आप, हमारा भी टाइम जाया कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो। बहुत अच्छा मैच हुआ, बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, बाबर आजम को पूरी दुनिया में फैन है, अल्हम्दुलिल्लाह बाबर बड़ा ब्रांड है, प्राइड ऑफ लाहौर है। अच्छा शाहीन की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? शाहीन हमारा अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छे हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाबर बाबर है, बाबर आजम बाबर आजम है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, वो ब्रांड है, वो वर्ल्ड ऑफ ब्रांड है बाबर आजम, वर्ल्ड ऑफ ब्रांड। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया हमें मैच। शाहीन का गुरूर टूट गया, ठीक है, शाहीन का गुरूर टूट गया, लाहौर भाई हो गई है, लाहौर भाई पड़ो गई है, बहुत ज्यादा खुशी है, ठीक है। कुबड़े कुबड़े ये बताएं जी, शाहीन की कप्तानी को कहां रेट करते हैं? शाहीन की कप्तानी का बिल्कुल जीरो, कप्तानी नाम की उसके अंदर कोई चीज ही नहीं है, उसको कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, उसको पता नहीं किसने कप्तान बना दिया। लाहौर में लाहौर से ज्यादा फैन बाबर आजम, बाबर आजम के थे, बाबर आजम ब्रांड है पूरी दुनिया में, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरी दुनिया में बाबर की फैन है। जुआ नहीं क्या? नहीं हम फिर दो वर्ल्ड कप, हम दो पीएसएल कैसे जीतिए फिर? उनसे पूछे, पूछे इनसे, पूछे इनसे, एक मिनट एक मिनट बातें कर रहे हैं, इस बार लाहौर की प्लेयरों को क्या हो रहा है, बात ही लाहौर की किस्मत गंदी है इस बार, क्या सीन है यार। इनसे पूछे इनके पास पीएसएल की ट्रॉफी क्यों नहीं है, बाबर ने ट्रॉफी क्यों नहीं जिताई?
शाहीन की कैप्टेंसी जो है वो एक नॉर्मल थी आप कह सकते हैं, ठीक है। कैप्टेंसी अगर पाकिस्तान की रिकॉर्ड कर सकता है तो वो रिजवान कर सकता है। आप उसको देख लें कि वो विकेट के पीछे खड़े होके ऐसी कप्तानी कर रहा है कि आने वाले वक्त में ये लोग याद रखेंगे कि इन्होंने गलती की है शाहीन को कैप्टन बना के। अच्छा मुझे ये बताएं, लाहौर का होम ग्राउंड है लेकिन यहाँ पे फैन बाबर के ज्यादा है। देखिए बाबर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो जो कर रहा है वो जैसा खेल है इंटरनेशनल दुनिया उसको देखती है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में फैन होना कोई बड़ी बात नहीं है इसके। शाहीन की कप्तानी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अभी तो वर्ल्ड कप की, इसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू है। और जैसे कि हमारे बेस्ट बॉलर मोहम्मद ये हारिस रऊफ वो कल के इंजर्ड हुए हुए हैं और शाहीन की कप्तानी पे भी इन दोनों पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इन पे थोड़ी सी गौर व फिक्र करना पड़ेगी। अच्छा ये बताएं, नो डाउट होम ग्राउंड लाहौर का है लेकिन ज्यादा फैन बाबर के क्यों हो रहे हैं? देखे बाबर तो दिलों में बसता है ना, बाबर इज ऑलवेज बाबर, बाबर किंग है अपना, बाबर शेर है, शहजादा है, बाबर का मुकाबला नहीं है कोई भी। बाबर आपको पता है एक ब्रांड है, उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं ना सकता। क्या बात है, दिल से फैन हम भी बाबर के ही हैं, पर है अमल हो रही है। टंकी की भाई कितनी निकली भाई, क्या हो गया है? मेरी बात सुने, ये जो लीग होती है ना उसमें और दूसरी जो पाकिस्तानी टीम है उसमें फर्क होता है, ठीक है। बाबर हमारा अच्छा कैप्टन है, बैट्समैन भी है, लेकिन बाबर के ऊपर कप्तानी का प्रेशर, उसको खुल के खेलने दो यार, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शाहीन की कप्तानी कैसी लगी, मुसलसल पांच मैचेस ये हार गए यार। शाहीन की कप्तानी ठीक नहीं रही, कुछ फैसलों से ठीक नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप पीएसएल से ये नहीं कह सकते को अच्छा कैप्टन नहीं है, ठीक है। क्रिकेट में हार जीत होती है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। कोई मोबाइल चुरा कर ना ले जाए भैया, जरा तकड़ के पकड़ना। लेक और पिशावर नहीं लाहौर के अंदर, सिंपल सी बात है यार, राशिद खान होता ना तो फिर सारा क्रेडिट लाहौर ही का होता। लेकिन राशिद खान की चार ओवर की कमी और तीन या दो विकेट के ले जाने से जो है ना, और इकोनॉमी को कंट्रोल करने की वजह से जो है ना लाहौर हार रहा है। लाहौर के बॉलर जो डिफेंड नहीं कर पा रहे ना, वो जस्ट ऑफ जस्ट कमी जो है ना वो राशिद खान की हो रही है। आप माने ना माने पर राशिद खान की कमी और कुछ ना कुछ जगहों पर जो ना ये जो हमारे जो ना शाहिद आफरीदी रॉन्ग कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि यार बंदी को चाहिए कि सिकंदर रजा को यूज करे उसके ओवर से फायदा, लेकिन सिकंदर रजा को ये पूरे ओवर दे नहीं पा रहा, कभी कभार एक ओवर तो कभी कभार वो भी नहीं देता। सो यार सिकंदर रजा जब अवेलेबल है उससे बैटिंग में आप फायदा नहीं ले पा रहे, उससे बॉलिंग में आप फायदा नहीं ले पा रहे यार, तो फिर उसे लाने का मतलब ही क्या है? ट्राई हिम, इज अ वेरी बेस्ट प्रोडक्ट फॉर लाहौर कलंदर्स। वो आजकल की दुनिया की हर लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल प्लेयर है, तो उसे मौका दिया जाए तब जाकर देखना। राशिद खान की मुझे लगता है कि यार सिकंदर रजा पूरी कर सकता है। मैं अब वीडियो दोनों की एक साथ नहीं बता रहा कि लाइक दोनों बराबर है, बट कहीं ना कहीं कमी पूरी कर सकते, क्योंकि सिकंदर रजा सीम डिलीवरीज डालते, फ्लिपर डालते और फास्ट डालते, तो उस पर अटैकिंग खेलना जरा मुश्किल है। वो बंदी को डिफेंड करके रखता है, अगर उसे ओवर में दो ओवर में एक चक्का लगता है ना, तो फिर सारी वो बॉल में जो ना वो डॉट या सिंगल ही देता है, वो बाउंड्रीज नहीं खाता। बट यहाँ पर शाहिद आफरीदी उसे ओवर ही नहीं दे पा। तो आज की वीडियो में बस इतना। इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल एंड यू गाइस लाइक द रिएक्शन ऑफ लाहौरीज एंड इन द फेवर ऑफ बाबर, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी टिल माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।